पूरा विश्व जिन्हें देश रत्न और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से जानता है, जैसे ही आप जीरादेई में प्रवेश करेंगे लोग उन्हें बाबू के नाम से जानते हैं। यहाँ आप आकर के अगर पूछते हैं कि देश के प्रथम राष्ट्रपति जी के घर जाना है तो लोग पूछते हैं बाबू के घर जाना है। नमस्कार, मैं शंभू प्रसाद अभय आप सबों के बीच एक बहुत सुंदर जगह को लेकर के आज हाजिर हुआ हूँ। यह स्थल है देश के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पैतृक निवास, अर्थात देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जन्मभूमि। यह उनका आशियाना है, उनका घर है। इसी घर में राजेंद्र बाबू का जन्म हुआ था और यही उनका बचपन व्यतीत हुआ था। यह उनका घर जो है भारत सरकार के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन अब हो गया है। सरकार ने उनके इस भवन को अपने रख रखाव अपने देख रेख में रखा है। यह है देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि। आइए हम अंदर का दृश्य आपको दिखाते हैं। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का आशियाना है, उनका भवन है। राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म यही हुआ था, यही उनका घर है। आइए आगे बढ़ते हैं हम सभी। सुंदर फुलवारी, सुंदर बगीचा है और उनके घर का यह आंगन है, प्रांगण है। प्रांगण के मध्य में देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की यह प्रतिमा स्थापित है। उनकी जयंती और पुण्यतिथि 15 अगस्त और 26 जनवरी के शुभ अवसर पर यहाँ माल्यार्पण का कार्यक्रम जिला प्रशासन, राज्य सरकार और स्थानीय समाज सेवी जनप्रतिनिधि लोगों के द्वारा प्रत्येक वर्ष बहुत सुंदर आयोजन किया जाता है। आइए आगे आपको दिखाते हैं। यह बेल का वृक्ष है। इसके बारे में कहा जाता है कि जब राजेंद्र प्रसाद जी देश के राष्ट्रपति हुए थे तो सबसे पहले शारदीय नवरात्र में यहाँ दुर्गा पूजा प्रारंभ की गई थी। उसी दुर्गा पूजा के उपलक्ष में जब बेल की डालियों का प्रयोग होता है, बेल के डालियों के प्रयोग करने के लिए राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा यह बेल का वृक्ष यहाँ लगाया गया था, जो बेल का वृक्ष आज भी यहाँ विद्यमान है। यही वह बेल का वृक्ष है जिसे शारदीय नवरात्र में पूजा के लिए लगाया गया था, आज भी वह बेल का वृक्ष है यहाँ विद्यमान है। यह राजेंद्र प्रसाद जो देश के प्रथम राष्ट्रपति थे देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनका घर है। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए आइए हम सभी उनके घर के अंदर चलते हैं और दिखाते हैं देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का यह घर। देखिए, शीशे में बंद यह बेड बिस्तर इसी बिस्तर पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जब देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से मिलने के लिए यहाँ आए थे तो उनका रात्रि विश्राम इसी बिस्तर पर हुआ था। यही वह बिस्तर है जिसे सरकार के द्वारा शीशे में पैक कर दिया गया है। वह तिथि थी रविवार को शुक्ल चतुर्दशी, जन्म 16 जनवरी 1927 की संध्या में, 16 जनवरी 1927 की संध्या में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी यहाँ आए थे। दिन मंगलवार था और 18 जनवरी 1927 को सवेरे तक यहाँ ठहरे थे। 16 जनवरी 1927 को वे यहाँ आए थे और 18 जनवरी 1927 के सवेरे तक यहाँ ठहरे थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। देश के
आजादी के बिगुल बज चुकी थी, उसी की रणनीति तैयार करने के लिए राष्ट्रपिता का शुभागमन देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के इस पावन पवित्र जन्मभूमि पे हुआ था। और आप देख सकते हैं यही वह बिस्तर है, यही वह चौकी है, वह तकिया है जिसको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जिस पर विश्राम किए थे, यही उनका बिस्तर था, यही तकिया लगाए हुए थे। बड़ा अद्भुत और ऐतिहासिक चीज मैं आप सबों को दिखा रहा हूं। यही वह स्थल, यही वह बिस्तर और यही वह तकिया जिस पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी लगभग 48 घंटे तक विश्राम किए थे। आइए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं यहाँ की अद्भुत और ऐतिहासिक विरासत। यह कमरा है, इस कमरे में देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जीवनी से जुड़ी हुई तमाम तस्वीरों को लगाया गया है जिसे आप देख सकते हैं। उनकी पुस्तकों को भी रखा गया है, जिन पुस्तकों को देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पढ़ते थे वह पुस्तक सामने पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, वही पुस्तक है। श्री महेंद्र प्रसाद जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बड़े भाई हुआ करते थे, यह उनका कमरा था। इसी कमरा में श्री महेंद्र प्रसाद जी विश्राम करते थे। राजेंद्र बाबू के बड़े भाई का यह कमरा था, इसी कमरा में राजेंद्र बाबू के बड़े भाई विश्राम किया करते थे। दूर तक देख सकते हैं कितनी आलिशान हवेली है, कितना सुसज्जित और ऐतिहासिक। आइए एक बार और इधर हम बढ़ते हैं। राजेंद्र बाबू का जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था और वे इस मृत्युलोक से विदा हुए थे 28 फरवरी 1963 को। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी देश के प्रथम राष्ट्रपति हुए, पूरा विश्व आज उन्हें बड़े आदर के नजरों से देखता है। वैसे राजनेता, वैसे जन नेता, वैसे जन सेवक अब इस धरती पे कहां अवतरित होने वाले हैं। देखिए मैं आपको एक चित्र दिखा रहा हूं, जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी यहां आए थे उस समय की तस्वीर दिखाई दे रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी एक साथ बैठ करके कुछ कागज पत्र पढ़ रहे हैं, वह तस्वीर है, वह यही की तस्वीर है। कितना अद्भुत वह समय होगा जब दोनों महान विभूति एक साथ बैठ करके भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करने की रणनीति तैयार कर रहे होंगे। कितना सुंदर वह पल होगा, दोनों महान विभूति भारत माँ के दो सपूत एक साथ माँ को गुलामी की बीड़ियों से मुक्त कराने की रणनीति तैयार करते हुए, अद्भुत दृश्य है। आइए आगे बढ़ते हैं। यही वह कमरा है जिस कमरा में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी निवास करते थे। लिखा हुआ है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी का यह कमरा था, इसी कमरा में देश के प्रथम राष्ट्रपति आदरणीय श्री राजेंद्र प्रसाद जी रात्रि विश्राम करते थे। देखिए यही वह पलंग है जिस पर देश के प्रथम राष्ट्रपति सोया करते थे, उनका वह बिस्तर है, वह पलंग है। इसी पलंग पे देश रत्न विश्राम किया करते थे, यह उनका कमरा है। आइए आगे बढ़ते हैं। यह देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बड़े पुत्र धनंजय प्रसाद जी का कमरा है। इसमें उनके बड़े पुत्र धनंजय बाबू रहते थे। यही है राजेंद्र प्रसाद जी की हवेली जिसमें उनका विश्राम हुआ करता था, यह उनका घर है। इस घर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा अपने देखरेख में सुरक्षित रखा गया है, यही वह घर है। लोगों के बीच आज यहाँ के पूर्व जिला पार्षद
चर्चित समाज सेवी और राजेंद्र बाबू के इस घर के पड़ोस के निवासी श्री लाल बाबू प्रसाद जी हम लोगों के साथ आज मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं राजेंद्र बाबू के घर के बारे में कुछ किस्से और कहानियों को। नमस्कार, आप हैं श्री लाल बाबू प्रसाद जी जो पूर्व जिला पार्षद हैं और यहाँ के निवासी हैं। राजेंद्र बाबू के घर के बगल में ही इनका घर है। राजेंद्र बाबू के इस घर को पुरातत्व विभाग ने अपने कब्जे में रखा है। इस हवेली को पर्यटन स्थल का दर्जा मिलना था, मिला क्या? सिर्फ घोषणा हुआ, मिला भी क्या? घोषणा हुआ जी, अभी कुछ हुआ नहीं। जो है हुआ है, जो सामने दिखाई दे रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार पे? एक्चुअली बट ये जो हम लोग जहाँ पर खड़ा है भारत सरकार का अधीन, और कुछ भी यहाँ पर काम करने के लिए परमिशन की जरूरत है, और ये कार्यालय जो है बिहार में एक जगह पटना ही है, ना सिवान में है, ना गोपालगंज है, ना छपरा है, नजदीक सारण चंपारण में नहीं है। जो भी है सूचनाएं पटना जाकर देना पड़ता है, और पटना जाने के बाद विभाग के पदाधिकारी रहते हैं या नहीं, उनके जिम्मे बहुत सारे साइड हैं, नालंदा है। यहाँ के लोगों को मलाल है इस बात का कि अभी तक पर्यटन स्थल का दर्जा नहीं प्राप्त हो सका। बहुत दुख है, पीड़ा है कि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर इंद्र प्रसाद जी के पैतृक आवास है। हम लोग भी उत्तर प्रदेश में देश के प्रथम प्रधानमंत्री के आवास देखते हैं इलाहाबाद में जाकर, और उससे और इससे डेली हम लोग करते हैं, तो जमीन आसमान की अंतर है। दुर्भाग्य है, पूर्व की जो सरकारें थी वो तो इनके साथ में अत्याचार किया ही है, जो वर्तमान में जो सरकार केंद्र की सरकार है वो अभी लगता है कि अनदेखी। बाबू के परिवार के लोग यहाँ आते हैं कि नहीं? आते हैं, वो लोग भी कभी काल आते हैं, और ये तो भवन जो है ये तो भारत सरकार को लोग लिख दिए हैं, और आते हैं कभी काल आते हैं, साल में एक दो बार आते हैं और आते हैं, देख दाख कर चले जाते हैं। वो लोग कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। सरकार से क्या मांग रहेगी आपकी? मेरी बिहार सरकार से, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से, और विश्व प्रसिद्ध देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मांग है कि जिस तरह आपने पटेल साहब जी को कुछ किए गुजरात में, तो कम से कम जीरा देई देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर इंद्र बाबू के भी कुछ करिए। इसलिए पटेल साहब और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी दोनों मित्र थे, दोनों ये महापुरुष का विचारधारा सेम टू सेम था, बट सरकार एनडीए की सरकार है, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है, अच्छा कार्य कर रहे हैं, देश विदेश में आज देश का नाम सम्मान बढ़ रहा है। एक बार जीरा देवी के तरफ भी नजर आप देखें। चलिए, ये थे मेरे पुराने मित्र और जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता, पूर्व जिला पार्षद। इनको भी इस बात का मलाल है कि केंद्र और राज्य की सरकार अब तक इस महान विभूति के पैतृक आवास को अब तक उपेक्षित रखी है। सरकार को तत्काल चाहिए कि इस स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करें। देश के लिए राष्ट्रपति देश रत्न और गांव के लिए बाबू के नाम से विख्यात देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पूरा विश्व जिन्हें देश रत्न और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से जानता है, जैसे ही आप जीरा देई में प्रवेश करेंगे लोग उन्हें बाबू के नाम से जानते हैं। यहाँ आप आकर के अगर पूछते हैं कि देश के प्रथम राष्ट्रपति जी के घर जाना है, तो लोग पूछते हैं बाबू के घर जाना है। लोगों की एक एक शब्द को सुनने के बाद आंखें नम हो जाती हैं और व्यक्ति भावुक होता है। इतने महान व्यक्तित्व के साथ जिनको सबसे पहले जिनकी जन्मभूमि को, जिनके आशियाने को, जिनके हवेली को पर्यटन स्थल के रूप में घोषित कर देना चाहिए, विकसित कर देना चाहिए, आज तक वैसा कुछ नहीं हुआ।
विकास के मामले में यहाँ क्या हुआ है? बिजली है, पानी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा, इस सब पर क्या स्थिति है? विकास तो मान लीजिए कि एनडीए की सरकार जब से बनी है, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बने हैं, रोड ठीक ठाक हुआ है, बिजली ठीक ठाक हुआ है, पानी का बस मलाल एक वही है कि पर्यटन स्थल अभी तक नहीं बन पाया। ये जीरादेई स्टेशन है, वहाँ पर स्पेस ट्रेन ठहराओ का बहुत कम है, ना के मात्रा है। लोग आते हैं, कहीं किसी को मध्य प्रदेश से आना है, गुजरात से आना है, महाराष्ट्र से आना है, केरल से आना है, कर्नाटका से आना है, तो उनको जीरादेई ना जाकर सिवान जाना पड़ता है या देवरिया में उतरना पड़ता है, वहाँ से आने में उन लोगों को कठिनाई होती है। तो मैं देश के माननीय रेल मंत्री जी हैं, उनसे मैं मांग करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि जीरादेई पर ध्यान दिया जाए, यहाँ पर दो चार ट्रेन का ठहराव को ही किया जाए, पटना से जोड़ दिया जाए। पूर्व में जीरादेई से बस जो है, राज्य सरकार की बस पटना आने जाने के लिए सुविधा था, वो भी बंद हो गया। ट्रेन जो यहाँ पर ठहराव था लिचुई का, मोर्च का, वो भी ठहराव जो है उसको अभी स्थगित कर दिया गया है। तो जो है उसको चालू किया जाए और ट्रेन को बढ़ाया जाए, क्योंकि जीरादेई स्टेशन जो है बिजनेस के व्यू से केंद्र सरकार नहीं सोचे कि यहाँ पर टिकट बिकता है कि नहीं बिकता है, वो समझे कि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर इंद्र प्रसाद जी की ये स्टेशन है। उस लिहाजा से, व्यवसाय के व्यू से नहीं, एक सम्मानजनक एक राजेंद्र बाबू के प्रति अगर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं तो भी आप काम कर देते हैं, तो उस कार्य के लिए, उस ट्रेन के माध्यम से आने जाने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, देखेंगे, सुनेंगे और राजेंद्र बाबू के जीवनी को कुछ पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, अपने बाल बच्चे, अपने आने वाले युवा समाज को बताएंगे। तो मैं तो मलाल करता हूँ, सबको मलाल है। मेरे साथ है मोतिहारी से चल के आए आज एक पर्यटक, यहाँ मिल गए, शिक्षा विभाग में काम करते हैं, नरेंद्र गुप्ता जी। जब मैं यहाँ आया तो नरेंद्र गुप्ता जी बाबू के इस हवेली में टहल रहे थे। कैसा लगता है आपको यहाँ आकर के? यहाँ तो अच्छा फील होता है, लेकिन अब तक पर्यटन स्थल यहाँ नहीं बन सका, नहीं बन सका। क्या कहेंगे आप? दुख की बात है, क्योंकि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू, इनको पहले ही घोषित कर देना चाहिए पर्यटन स्थल। चलिए, तो सबको मलाल है कि अब तक पर्यटन स्थल बाबू के इस हवेली को घोषित नहीं किया जा सका, और अब तक हो जाना चाहिए था। मैं भी केंद्र सरकार और बिहार सरकार से यह मांग करता हूं कि बाबू की इस हवेली को, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जैसे आपने विकसित किया, वैसे बाबू के इस हवेली को भी विकसित करें। बाबू की भी यहाँ एक आदमकद प्रतिमा स्थापित हो, पूरा विश्व जिन्हें जानता है, आज वे अपने इस हवेली में आकर के ही उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। नमस्कार।